गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना लेसन है जूलॉजी का 25वां लेसन, जिसमें हम पढ़ लेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीन टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं। आज नया टॉपिक है मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें हम पढ़ते हैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन, यानी हम कहेंगे कि उत्सर्जन तंत्र है क्या, कौन कौन सी चीजें मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवों के अंदर क्या होती है, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अपन कहेंगे अनुपयुक्त या हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पार्ट पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई भोजन का जब अवशोषण होता है, पचित भोजन का अवशोषण होता है, तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा का अवशोषण होता है रुधिर के द्वारा। फिर ये रुधिर में बहते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी जो पदार्थ हमें पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिले हैं, उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विघटन होता है, वे टूटते हैं, जिसके फलस्वरूप हम कहेंगे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जिनका उपयोग शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है, हानिकारक होता है। तो ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई उत्सर्जी पदार्थों के अंदर बात करते हैं, तो जो CO2 गैस होती है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। शरीर से पसीना निकलता है, पसीने के साथ में बहुत सारे आयंस वगैरह निकलते हैं, लवण निकलते हैं, तो ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा हम कहेंगे जो पचित भोजन है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद जो पीछे शेष भाग रहता है, तो वह भी उत्सर्जी पदार्थ है। हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर पाया जाता है, रुधिर के अंदर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप जो पित्त वर्णकों का निर्माण होता है, बिलवर्डिन है, बिलरुबिन है, ये भी क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए अनुपयुक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, एक्सक्रेटरी हम कहेंगे प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेटरी कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। और वे अंग जो क्या करते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। तो इस पार्ट के अंदर मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, उसके बाद में उत्सर्जन अंग कौन कौन से है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया भाग लेते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, फिर वे अंग मिलकर किस प्रकार उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर हम
वृक्क की संरचना पढ़ेंगे, वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पाठ के अंदर जो हम कहेंगे उत्सर्जन की इकाई होती है, यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो इकाई होती है, यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसको पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे, और फिर हम कहेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कैसे मूत्र बनता है, और उसके बाद में हम इस तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं उनको पढ़ेंगे, कृत्रिम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे वो इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम कहेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं मुख्य रूप से जिनका जीव है वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, या ऐसे मुख्य रूप से कौन से पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। किसकी बात करते हैं, अमोनिया। तो हम कहेंगे कि उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनी युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। ये जो अब हम कहेंगे ये सारे के सारे है वो क्या है, नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अमीनो अम्लों का क्या होता है, डीएमिनीकरण होता है, या अमीनो अम्लों के विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, विएमिनीकरण, डीएमिनेशन होता है, और डीएमिनेशन के फलस्वरूप हम कहेंगे क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया अत्यंत जहरीली पदार्थ है, अत्यंत मतलब नुकसानदायक है, और इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अमोनिया जो है यह जल में घुलनशील होती है, क्या है, जल में घुलनशील होती है, इसलिए ऐसे जीव जिनके शरीर में जल की कमी नहीं होती है, आवश्यकता से अधिक जल पाया जाता है, तो वे जीव क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता, क्योंकि ये जल में घुलनशील होती है, अधिक विषैली होती है, जहरीली होती है, जिसके उत्सर्जन के लिए हम कहेंगे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जंतु जो हम कह सकते हैं जलीय हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कहेंगे प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, कुछ मोलस्कस, ठीक है, कुछ मोलस्कस हो गए, जलीय आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और कुछ जो जलीय मछलियां होती हैं, फ्रेश वाटर की हो गई या मैराइन वाटर की हो गई, तो जलीय मछलियां, जो उभयचर होते हैं, उभयचरों के जो टैडपोल्स होते हैं, टैडपोल्स लार्वा, तो ये सभी जंतु हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का, किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं, क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं, अमोनोटेलिक, ये जानना। अब यहां पर हम
औषधीय पदार्थों को जो नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने औषधीय पदार्थों को लिख रहा हूं, जैसे अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। और यदि आप ऐसे भी पढ़ते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हम कहेंगे क्या करते हैं, सॉरी, उत्सर्जन के आधार पर भी हम जीवों को तीन भागों के अंदर बांट सकते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हेडिंग डालते हैं अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, यूरोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन करता है, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि भाई अमोनोटेलिक जंतु कौन कौन से है, अमोनोटेलिक क्या है। उसके बाद में अगला जो है वो है यूरिया। यूरिया ये भी हम कहेंगे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये उन जंतुओं के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है जिसमें जल की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है, या जल में मतलब उनको जल संचित रखना पड़ता है। तो उन इन जंतुओं में क्या होता है कि जो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण हो जाता है, अमोनिया से आगे जो और नीति चक्र वगैरह चलते हैं, तो जिसके फलस्वरूप हम कहेंगे अमोनिया से क्या बन जाता है, यूरिया का निर्माण होता है। अमोनिया की तुलना में यूरिया कम विषैली होती है और ये कम मात्रा में जल में घुलनशील भी होती है। तो ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स का जाता है। जो हम कहेंगे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जो वैस्क उभयचर, स्तनधारी, ये जो जीव होते हैं स्तनधारी और मैमल्स, जो ये सभी क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिया हम कहेंगे यूरिया के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना के अंदर, और यह कम जहरीली भी होती है। फिर तीसरे नंबर जो है वो है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। ऐसे जंतु जो हम कहेंगे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटेलिक, क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो शुष्क वातावरण में रहते हैं, इनका वातावरण कैसा होता है, शुष्क वातावरण है ना, जहां जल की कमी होती है, उन जीवों के लिए जल का स्टोरेज करना अति आवश्यक होता है। तो ऐसे जंतु है वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन क्या ले सकते हैं, पक्षी ले सकते हैं, ठीक है, शरीर सर्प ले सकते हैं, जो कुछ घोंगे वगैरह जो होते हैं, कुछ घोंगे, तो ये जो जीव होते हैं, पक्षी, रेप्टाइल्स, कुछ घोंगे वगैरह, जो क्या होते हैं, सूक्ष्म वातावरण में रहते हैं, ठीक है, जहां जल की कमी होती है, तो वे जंतु हैं वो अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, और फिर यूरिक अम्ल के रूप में वे इन नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो इन्हें हम यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। और यूरिक अम्ल जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है, लगभग अघुलनशील है और बहुत ही कम विषैला होता है, और इसलिए यह क्या होता है, एक
इन जंतुओं के द्वारा जो ये उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं एक लय के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? एक लय के रूप में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि छोटी छोटे रवों के रूप में वे उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े कि कौन कौन से जो नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका जीवों के द्वारा मुख्य रूप से उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को हमने पढ़ा, और इन पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर भी हम जीवों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनोटेलिक क्या है, अगर नीट की वगैरह एग्जाम के अंदर पूछ ला जाता कि भाई निम्न में से कौन सा अमोनोटेलिक है, निम्न में से कौन सा यूरिकोटेलिक है, कौन सा यूरियोटेलिक है, या ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमोनोटेलिक कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं। तो इस प्रकार आप, और सबसे अधिक जल में घुलनशील कौन सी है, कम कौन सी है वगैरह, तो इस प्रकार कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नंबर के ध्यान क्या, एक नंबर का क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि यूरिकोटेलिक व यूरियोटेलिक में अंतर लिखिए, या यूरिकोटेलिक व यूरियोटेलिक को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार ये हम कहेंगे कुछ हमने पढ़ा। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या है और उसकी किस प्रकार संरचना होती है। धन्यवाद।